नमस्कार दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार में कोई भी ज़्यादा शराब पीता है, ज़्यादा शराब का सेवन करता है, उनकी यहाँ लत लग चुकी है, वो शराब को बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम्योपैथी दवाई बताऊंगा जो बिल्कुल रामबाण है, काफ़ी इफेक्टिव है। आपकी जो भी समस्या है बिल्कुल गारंटी ठीक हो जाएगी, शराब की लत वो आसानी से छोड़ पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अल्कोहल दारू लेने से हमें क्या नुकसान होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि अगर आप दारू छोड़ते हैं तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे आपको, क्या समस्या आएगी, और लास्ट में आपको होम्योपैथी दवाई बताऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव है आपको आसानी से दारू छोड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान दोस्तों होता है कि हमारी फैमिली में कोई भी हमसे खुश नहीं होता है। अगर हम ज़्यादातर दारू लेते हैं, शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो हमारी फैमिली में हमने जो भी आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, माता पिता जो भी सब लोग हैं, ये सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं इस दारू के सेवन से। दोस्तों देखा जाता है कि जो लोग ज़्यादा दारू का सेवन करते हैं उनको फैमिली तो समस्या होती है, साथ ही जो खुद को नुकसान पहुँचता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो उनको नुकसान होता है दोस्तों, उनका लीवर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है अगर वह लगातार दारू का सेवन करते हैं। मतलब अगर 80 ml हर रोज़ वह लगातार 10 साल तक पीते हैं, तो दोस्तों अगर डेली आप रेगुलर पियेंगे तो अगर आप 10 साल तक रेगुलर पी रहे हैं तो दोस्तों आपको लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। और लीवर सिरोसिस दोस्तों ऐसी कंडीशन है जो बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रीट नहीं किया जा सकता, मतलब उसको बस मैनेज किया जा सकता है, उसका क्योर नहीं हो सकता है। तो यहाँ कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है दोस्तों, इसलिए आपको यह दारू का सेवन कम करना चाहिए। एक तो यहाँ भी समस्या इसमें देखने को मिलती है, इसके साथ ही किसी में फैटी लीवर हो जाता है, उनकी जो स्प्लीन है वह इनलार्ज हो जाती है, मतलब स्प्लीन बड़ी हो जाती है, जो लीवर है लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, उनकी भूख में भूख नहीं लगती है या उनको गैसेस बनती है, कब्ज रहती है। तो ये जो दारू की वजह से ये सारी समस्या होती है, उनको गैस बनना, किसी को दोस्तों कफ की ज़्यादा समस्या हो जाती है, उनको कफ में आराम नहीं मिलता, खांसी ज़्यादा होती है, तो ये भी एक दारू की वजह से होती है। साथ ही अगर उनका लीवर ख़राब हो जाता है तो उनको एक लक्षण देखने को मिलता है कि उनको काफ़ी हिचकियाँ चलती है बेवजह, या उनको काफ़ी तेज़ी से हिचकी चलने लग जाती है, क्योंकि दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर पाता और वो जो भी आप खाते हैं उसको बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो एक LES होता है दोस्तों, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो यहाँ क्या है, ओपन जैसे हम खाना खाते हैं वह क्लोज हो जाता है, लेकिन जब आप ज़्यादा अल्कोहल सेवन करते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें का सेवन करते हैं नशे वाली चीज़ों का, तो ऐसी कंडीशन में यह दोस्तों खुल जाता है, जिससे आपको बार बार जो भी खाते हैं वो ऊपर की ओर आता है, डकार आती है, आपको उल्टी भी हो सकती है, जी घबराता है। तो ये सब समस्या दोस्तों देखने को मिलती है, ये अल्कोहल की वजह से होती है, इससे आपको काफ़ी गैसेस भी बनती है पेट में। ये तो दोस्तों अब लीवर के सिम्टम्स हो गए, हमें यही लीवर में समस्या देखने को मिलेगी, मतलब लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा, यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में यह समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोस्तों और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है जो होती है हर्ट वाले पेशेंट को, मतलब दोस्तों अगर जो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनके हर्ट में भी काफ़ी दिक्कत होने लग जाती है, मतलब उनके हृदय कमज़ोर हो जाता है, साथ ही दोस्तों उनके जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, जिससे उनको ब्लॉकेज का काफ़ी चांसेस होता है, और लगातार वो सेवन करते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। इसके साथ ही उनकी जो ब्रेन है, ब्रेन पर भी ये काफ़ी असर करता है। ब्रेन पर दोस्तों यहाँ देखने को मिलता है कि जो ऐसे पेशेंट रहते हैं ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको नींद नहीं आती है, साथ ही उनमें दोस्तों देखने को मिलता है कि बिल्कुल चिड़चिड़ेपन रहता है, स्कोर कोई सी भी चीज़ हो वह भूल जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो ये ब्रेन में यह सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये ओवरऑल ब्रेन, हर्ट और आपके लीवर, इन तीनों चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है और आपको काफ़ी समस्या देखने को इससे मिलती है। तो ये तो दोस्तों कुछ नुकसान हुए जो हमें अल्कोहल से, दारू के सेवन से नुकसान होते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप दारू छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों कोई भी दारू छोड़ने की कोशिश करता है तो उनको देखने को मिलता है उनको ज़्यादा तनाव होता है, उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं वो, साथ ही उनको अगर दारू नहीं लेते तो उनको ऐसा लगता है कि उनको उल्टी हो जाएगी, जी घबराता है उनका, और उनके हाथ एकदम ऐसे कपकपाते, हाथ पैर उनके कपकपाते हैं। तो ये कुछ लक्षण ऐसे पेशेंट को देखने को मिलते हैं जब वो दारू छोड़ते हैं। तो साथ ही उनमें नींद आने की समस्या, बेचैनी, ये सब जो लक्षण है ये सब दोस्तों विथड्रॉल सिम्टम है, मतलब अगर अल्कोहल आप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो जैसे अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये लक्षण कुछ देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब हम लास्ट पार्ट में बात कर लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की, जो बिल्कुल इफेक्टिव है, आपको समस्या से परमानेंट छुटकारा दिला देगी दोस्तों। इस होम्योपैथी मेडिसिन से बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप
खुद ही स्वयं दारू छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको रेगुलर यूज़ करें, आपकी समस्या एक महीने के अंदर ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों आपकी फैमिली में कोई भी है जो उनको आप बताना नहीं चाहते और वो दारू छोड़ना चाहते भी नहीं है, तो उनको आप यहाँ जो मैं दवाई बताता हूँ ये आप खाने में, उनको रोटी में, सब्जी में या पानी के साथ उनको दे सकती है, जिससे उनकी समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर खुद की इच्छा होती है तो एक महीने के अंदर ये समस्या इन मेडिसिन से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं है फिर भी आप उनको दे रहे हो तो कम से कम दोस्तों 2 से 3 महीने इस मेडिसिन को आपको लेना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर उनकी जो भी है समस्या दारू की लत की वो अपने आप ही छूट जाएगी, उनकी जो मतलब इच्छा होती है वह इच्छा धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपकी उनकी जो समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो आपको इसमें लेना है वह है सल्फर 200। दोस्तों सल्फर 200 जो मेडिसिन है काफ़ी इफेक्टिव है। ऐसे पेशेंट में जो देखने को मिलता है कि वो काफ़ी गंदे रहते हैं, उन पेशेंट में दोस्तों आदत रहती है कि वह दिन भर सुबह शाम रात भर जब भी हो उनको दारू की इच्छा ही रहती है, मतलब जैसे भी उठते हैं सुबह से उनको कि यार मुझे तो बस चाहिए शराब, तो बस उनको वही आदत रहती है। जब भी आप मिलेंगे उनसे वो हमेशा टनाटन रहेंगे, मतलब हमेशा दारू के नशे में ही रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को दोस्तों सल्फर 200 बहुत ही इफेक्टिव होती है। सल्फर 200 जो है मेडिसिन है ये जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ एक होम्योपैथी दवा है, होम्योपैथी मेडिकल पर यह मिलेगी। आप इस सल्फर 200 की 4 बूंदें उनकी जीवान पर दें, अगर जीवान पर नहीं दे सकते थोड़े से पानी के साथ उनको पिला दें, हफ्ते में सिर्फ एक बार यह लेना है। तो इसको रेगुलर 3 महीने तक यूज़ करना है। इसके साथ दोस्तों एक ड्रॉप आता है एलेन कंपनी का, LNA93, यह अल्कोहलिज्म ड्रॉप है, मतलब अल्कोहल से छुटकारा दिलाने के लिए यह काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें नक्सोमिका, हाइजाइमस, हिस्टामोनियम बहुत ही इफेक्टिव दवाएं मिली हुई है जो काफ़ी इफेक्टिव है। इसको लेने के लिए दोस्तों आपको 20 बूंद थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार लेना चाहिए, या आप उनको पानी के साथ पिला दीजिए, काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये 2 मेडिसिन इसके साथ ही एक कॉम्बिनेशन में बताऊंगा जो काफ़ी इफेक्टिव है इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में आपको मिलाना है एक एसिड सल्फ का मदर टिंचर, एसिड सल्फ को सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, तो एसिड सल्फ का मदर टिंचर आप मिलाइए। के साथ आपको मिक्स करना है क्वेरकस ग्लेंडियम मदर टिंचर और एक और मदर टिंचर इसमें मिक्स करना है, उसका नाम है स्टर्किलिया मदर टिंचर। दोस्तों ये तीनों मेडिसिन है, ये तीनों जो मदर टिंचर आपको देखने को मिल रहे हैं, तीनों मदर टिंचर को आप एक बड़ी शीशी लीजिए, उसमें तीनों को मिक्स कर लीजिए और इसकी एक थोड़े से पानी लीजिए, थोड़े से पानी में 20 से 30 बूंद दिन में 3 बार उनको दीजिए। दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया यहाँ आपको लेना है, इसके साथ मैंने एलेन का A93 ड्रॉप बताया वहाँ भी आपको लेना है, इसके साथ दोस्तों जो मैं सल्फर 200 बताइए हफ्ते में एक बार यहाँ आपको लेना है। तीनों जो मेडिसिन है दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव है, जो भी उनकी समस्या है दारू की लत छोड़ने की वह इजीली ठीक हो जाएगी। मैंने जैसे आपको बताया है दोस्तों अगर आप स्वयं आपकी इच्छा से छोड़ना चाहते हैं तो आपको काफ़ी जल्दी 1 महीने के अंदर आपको इस मेडिसिन से आराम लग जाएगा। लेकिन कोई है जो दारू छोड़ना नहीं चाहता है तो उनको आप खाने में मिला के दे सकते हैं, पानी के साथ उनको यह दे सकते हैं, उनकी समस्या 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई ज़रूरतमंद हो जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं, उससे भी दोस्तों उनको आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह इससे बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग परेशान हैं इसकी लत से, उनको छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन वो छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो आप यह वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।